हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाई फ्रिक्वेंसी कोर वर्ड्स सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। और ये कोर वर्ड्स एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग के सभी एग्जाम्स के लिए और एनडीए सीडीएस जैसे एग्जाम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन वर्ड्स को। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, पैरोकियल, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, ये कोर वर्ड है। और पैरोकियल का मतलब होता है नैरो माइंडेड। देखिए, इन वर्ड्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, एक तो होता है रिवीजन, बार बार इन वर्ड्स को आप रिवाइज़ करें तो ये वर्ड्स आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। एक होता है निमोनिक ट्रिक। निमोनिक ट्रिक में हम इन वर्ड्स के मीनिंग को किसी भी शब्द के साथ, किसी भी करेक्टर या इंसिडेंट के साथ, किसी भी स्टोरी के साथ हम इन वर्ड्स को लिंक करके याद करते हैं। जैसे पैरोकियल का अर्थ होता है प्रोविंशियल। पैरोकियल और प्रोविंशियल की साउंड सेम है, ठीक है। प्रोविंशियल मतलब जो अपने स्टेट के बारे में ही, जो अपने अपने स्टेट तक ही जिसकी जिसकी थिंकिंग सीमित है, उसको हम बोलते हैं प्रोविंशियल या पैरोकियल। हाइड बाउंड एक अच्छा वर्ड है। ब्लिंकर्ड मतलब जिसके जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, उसको हम बोलते हैं ब्लिंकर्ड। या मायोपिक मतलब जिसकी सोच छोटी है, उसको हम बोलते हैं पैरोकियल। और यहाँ पर मैंने पिक्चर्स भी दी हुई हैं, इन पिक्चर्स के थ्रू इन वर्ड्स को आप याद कर सकते हैं। ब्रॉड माइंडेड इसका एंटोनिम होगा और ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को आपको याद करना है। इस वीडियो क्लास में मैं दो रिवीजन भी आपको कराऊंगा ताकि ये सारे वर्ड आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएं। तो पैरोकियल का अर्थ होता है नैरो माइंडेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, डीबंक। डीबंक का अर्थ होता है किसी रहस्य पर से पर्दा उठा देना, डीबंक कर देना। बंक का अर्थ होता है क्लास से चले जाना या क्लास नहीं लेना, उसको हम बोलते हैं बंक। जैसे कॉलेज और स्कूल में हम बंक मारते हैं, तो जब आप बंक मारते हैं तो बाहर निकलते हो, बाहर निकल के ही आप किसी चीज़ से पर्दा उठा सकते हैं, उसको एक्सपोज कर सकते हैं, उसको डीफ्लेट कर सकते हैं, यानी उसकी हवा निकाल सकते हैं, ठीक है। डीमिस्टिफाई मतलब उसका जो रहस्य था, उस रहस्य पर से आपने पर्दा उठा दिया, तो उसको हम बोलते हैं डीबंक। और इसका एंटोनिम होगा कन्फर्म करना किसी चीज़ को, ऑथेंटिकेट करना। कन्फर्म मतलब ऑथेंटिकेट करना कि ये चीज़ सही है, ठीक है। शी डीबंक्स ऑल द यूजुअल रविश अबाउट एक्टिंग। वह एक्टिंग के बारे में जो भी रविश है, जो भी बकवास है, उसको डीबंक वह करती है। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं पेंडेमिक। अब देखिए, पेंडेमिक वर्ड जो है ये पेन से मिलके बना है। जैसे आपने सुना होगा इस कंपनी की पेन इंडिया प्रेजेंस है। पेन इंडिया प्रेजेंस मतलब पूरी इंडिया में उसकी प्रेजेंस है, तो इसी से ये वर्ड बना है पेंडेमिक। मतलब इसका अर्थ होता है वाइड स्प्रेड या प्रीवेलेंट या परवेसिव। परवेसिव जो सब जगह फैला हुआ है, राइफ जो सब जगह फैला हुआ है, ठीक है। रैम्पेंट जो अनकंट्रोल्ड है, उसको हम बोलते हैं रैम्पेंट। और इसका एंटोनिम होगा लिमिटेड या कन्फाइंड, ठीक है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज ए सिक्स स्टेज क्लासिफिकेशन दैट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस बाय विच अ नोवेल इन्फ्लुएंजा वायरस मूव्स फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू इन्फेक्शंस इन ह्यूमन थ्रू अ पेंडेमिक। तो पेंडेमिक का अर्थ होता है सभी जगह फैला हुआ, प्रीवेलेंट या परवेसिव या राइफ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिसपैरेज। देखिए, डिस एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। और पैरेज मतलब पैर, पैर मतलब टांग, किसी की टांग खींचना, ठीक है। इस तरीके से इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं, डिसपैरेज। आप यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग हंसी उड़ा रहे हैं। किसी को बिलीफाई करना, ठीक है, किसी को रिडिक्यूल करना, किसी को नीचा दिखाना, जिसको हम बोलते हैं बिलिटिल करना। मॉक यानी हंसी उड़ाना, डिराइड यानी हंसी उड़ाना, स्कॉर्न यानी हंसी उड़ाना, तो ये सारे मिलते जुलते वर्ड हैं। लाफ एट का मतलब होता है किसी के ऊपर हंसना, लाफ विथ मतलब किसी के साथ हंसना, स्नियर एट भी इसको हम बोलते हैं, और एंटोनिम का अर्थ होता है प्रेज। देर आर पीपल हु वॉन्ट टू डिस्पैरेज दिस एक्सीलेंट अप्रोच। तो ये बहुत ही अच्छा वर्ड है डिस्पैरेज, यानी नीचा दिखाना या हंसी उड़ाना। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं वोसीफेरस। वोसीफेरस मतलब जो बहुत ही ज़्यादा वोकल है किसी चीज़ के बारे में, बहुत ही ज़्यादा नॉइजी या लाउड है, ठीक है। तो इससे देखिए कितने सारे वर्ड हैं, क्लेमेंट भी इसको हम बोल सकते हैं, ऑब्स्ट्री पैरस भी इसको हम बोल सकते हैं। ऑब्स्ट्री पैरस एक अच्छा वर्ड है, ये एसएससी में कई बार पूछा गया है। क्लैमरस एक अच्छा वर्ड है, क्लैमर का मतलब होता है शोरगुल, ठीक है। और वहीमेंट भी एक अच्छा वर्ड है। क्वाइट का अर्थ होता है शांत, और ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, इसको रोक के आप पढ़ सकते हैं। सी जस्ट एज वोसीफेरस अबाउट चिल्ड्रंस इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ ओबेसिटी एंड द एबीस लाइक डिवाइड बिटवीन द रिच एंड पुअर। तो वोसीफेरस मतलब वोकल। आगे बढ़ने से पहले इन ई बुक्स के बारे में बताना चाहूँगा, जितने भी वर्ड्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये मैंने अपनी ई बुक्स में से लिए हैं। और इन ई बुक्स के थ्रू आप 2500 हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स जो हैं, जो कोर वर्ड्स हैं, वो आप तैयार कर सकते हैं।
इन 6 ई बुक्स में 2500 हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब्स, एग्जांपल सेंटेंसेस, निमोनिक ट्रिक्स, पिक्चर्स, ये सारी आपको मिलेंगी। और इसका MRP 894 है, 894 रुपये में 6 ई बुक अवेलेबल हैं, लेकिन अभी ऑफर में आप इनको केवल और केवल 99 रुपये में आप ले सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पेटीएम के थ्रू भी आप पे करके इनको आप घर बैठे आराम से इनको आप ले सकते हैं। तो इन ई बुक्स को आप ज़रूर लें यदि आपने नहीं लिए हैं, और निश्चित रूप से आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी इंग्लिश सेक्शन को निकालने में। आगे हम वर्ड पढ़ते हैं। देखिए ये 3 वर्ड हैं, सेल्वेज, सेबोटेज या सबोटाज और सेबेज। तो सेल्वेज का क्या अर्थ है? सेल्वेज का अर्थ होता है प्रोटेक्ट करना, ठीक है, रेस्क्यू करना। जैसे आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक बोट है, डूब रही है, और इसको इस मशीन के थ्रू इसको बचाया जा रहा है यहाँ पर। तो सेल्वेज का अर्थ होता है प्रोटेक्ट करना या रेस्क्यू करना या रिट्रीव करना, ठीक है। ग्लीन का अर्थ होता है इकट्ठा करना होता है। और इनडेंजर इसका एंटोनिम होगा, इनडेंजर मतलब खतरे में डाल देना, रेस्क्यू मतलब बचा लेना। तो ये हैं इसके सिनोनिम और एंटोनिम। द शिप वॉज बियॉन्ड सेल्वेज, मतलब शिप की हालत ऐसी हो गई थी कि उसको बचाया नहीं जा सकता था। सेबोटाज मतलब बर्बाद कर देना, जिसको हम बोलते हैं वेंडलाइज कर देना। वेंडलाइज जो वर्ड है ये न्यूज़ में भी काफ़ी यूज़ होता है। इम्पेयर मतलब उसको कमज़ोर कर देना। इनकैपेसिटेट मतलब उसकी कैपेसिटी को ख़त्म कर देना। तो सेबोटाज एक अच्छा वर्ड है, और एंटोनिम इसका होगा एड करना यानी सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस। हाउ डू आई गेट टू ईट आइसक्रीम एंड नॉट सेबोटाज माई वेट लॉस सक्सेस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सेवेज का अर्थ होता है जंगली या क्रूअल या बीस्ट या फियर्स, ठीक है। सेवेज ये एक अच्छा वर्ड है, सेवेज, और इसका एंटोनिम होगा काइंड, काम, सिविलाइज्ड, पीसफुल, टेंडर्ड। और सेवेज के कुछ और वर्ड हम देखते हैं, मॉन्स्टर मतलब राक्षस जैसा, ठीक है, बीस्ट मतलब पशु जैसा, बारबेरियन मतलब जंगली। तो ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स हैं। और एक ये वर्ड भी आप याद कर लेना, उगर, ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है सेविज। डीमोन भी इसको हम बोल सकते हैं। शीला हैड एक्सपेक्टेड मड हट्स एंड सेविजेस। तो सेविज का अर्थ होता है जंगली। अंडरमाइन, अंडरमाइन का क्या अर्थ है? अंडरमाइन का अर्थ है किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है ईमैस्कुलेट, मैस्कुलेस, मैस्कुलाइन हम बोलते हैं पौरुष शक्ति को, मैस्कुलाइन। ईमैस्कुलेट मतलब उसको कमज़ोर कर देना या इम्पेयर कर देना या डीस्टेबलाइज कर देना या क्रिपल, क्रिपल जिसकी जिसकी टांगें खराब होती हैं, चलने फिरने में जिसको दिक्कत होती है उसको हम बोलते हैं क्रिपल, यानी जो कमज़ोर होता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथन इसका एंटोनिम होगा, और ये हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस। द रिजल्ट कुड अंडरमाइन द लीगल बेसिस फॉर अबॉर्शन इन ज्यूरिसडिक्शन। चलिए यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे इन वर्ड्स का। सेल्वेज का क्या अर्थ है? सेल्वेज का अर्थ होता है प्रोटेक्ट करना, सेवेज का मतलब है जंगली, सेबोटाज मतलब वेंडेलाइज, पेरोकियल यानी प्रोविंसियल या नेरो माइंडेड, वोसीफेरस यानी जो वोकल है, वेंडेलाइज डिस्ट्रॉय करना, प्रोविंसियल जो पेरोकियल है, डिस्पेरिज हंसी उड़ाना, बिलीफाई करना, पेंडेमिक जो सब जगह फैला हुआ है, क्रिपल मतलब जो कमज़ोर है, ईमैस्कुलेट कमज़ोर है, और ग्लीन का अर्थ होता है इकट्ठा करना। तो इस तरीके से जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे इन वर्ड्स को, उतने अच्छे तरीके से, उतने इफेक्टिवली इन वर्ड्स को आप रिकॉल कर सकते हैं एग्ज़ाम के दौरान। अब हम देखते हैं आगे के वर्ड, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड नंबर 10 है कंट्राइट। कंट्राइट देखिए, यदि आपको लगे कि आपकी कंट्री में एक भी राइट व्यक्ति नहीं है, कंट्राइट मतलब आपकी कंट्री में एक भी राइट व्यक्ति नहीं है, तो उसका आपको पश्चाताप होगा। कंट्राइट का अर्थ होता है पश्चाताप करना, ठीक है, रिपेंटेंट होना, रिग्रेटफुल होना, सॉरी फील करना, एपोलॉजेटिक फील करना। और यहाँ पर एक वर्ड है एट्रिशनल, ये एक अच्छा वर्ड है एट्रिशनल। एट्रिशनल का अर्थ होता है कंट्राइट, यानी जो जो जिसको पश्चाताप है किसी चीज़ का, ठीक है। और चेस्टेंड ये भी एक अच्छा वर्ड है, एट्रिशनल और चेस्टेंड ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, एट्रिशनल और चेस्टेंड, ठीक है। चेस्टेंड को आप कैसे याद करेंगे? चेस्ट का अर्थ क्या होता है? चेस्ट का अर्थ होता है आपका जो सीना या छाती होती है उसको हम बोलते हैं चेस्ट। चेस्टेंड मतलब आपकी छाती में, आपके सीने में कोई दर्द छुपा हुआ है, उसको हम बोलेंगे चेस्टेंड। और इम्पेनिटेंट, इनडिफरेंट, अनरिपेंटेंट ये होंगे इसके एंटोनिम्स। द कंट्राइट प्लेयर स्पोक पब्लिकली यस्टरडे
एंड एपोलोजाइज टू हिज पार्टनर कार्ली मैथ्यूज। तो ये है एग्जाम्पल सेंटेंस, और यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर के थ्रू आप इन वर्ड्स को आसानी से याद कर सकते हैं। इस देखिए इस पिक्चर कितना ज़्यादा मीनिंग ये पिक्चर है। कंडोन, कंडोन मतलब जो चीज़ डन हो चुकी है उसको देखते हुए भी अनदेखा कर देना। कंडोन यानी देख के भी अनदेखा कर देना, यानी ओवरलुक कर देना, इग्नोर कर देना, ठीक है। तो ये इसके सारे वर्ड्स हैं, और देखिए कितने सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। ये सारे वर्ड्स आपको मेरी ई बुक में मिल जाएंगे, और इसका एंटोनिम होगा फॉरबिड। फॉरबिड यानी रोकना, कंडोन माने नहीं रोकना यानी उसको ओवरलुक करना। तो कंडोन का जो एंटोनिम होगा वो होगा फॉरबिड, ठीक है। द कॉलेज कैन नॉट कंडोन एनी बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स इलिसिट ड्रग्स, मतलब कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसमें इलिसिट ड्रग्स इन्वॉल्व हैं उसको कॉलेज कंडोन नहीं कर सकता, यानी ओवरलुक नहीं कर सकता। आई नेवर कंडोन रॉन्ग डूइंग इन एनी एरिया। तो ये हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं डिस्पोमैनियक। देखिए डिस्पोमैनियक जो शराब पीने की जिसको लत लगी हुई है उसको हम बोलते हैं डिस्पोमैनियक। डिस्पोमैनियक को आप याद कैसे करेंगे, जो डिस्पोजेबल ग्लास में शराब पीता है और शराब पी पी के मैनियक हो गया यानी पागल हो गया है। तो डिस्पोमैनियक जिसको शराब की लत है उसको हम बोलते हैं डिस्पोमैनियक। बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज को आप याद कैसे करेंगे, एब्स्ट्रूज मतलब एब्सोल्युटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एब्स्ट्रूज मतलब एब्सोल्युटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो ऑब्स्क्यूर है, जो परप्लेक्सिंग है, ठीक है, जो ईसोटेरिक है। ईसोटेरिक मतलब सो डिफिकल्ट, ईसोटेरिक मतलब सो डिफिकल्ट, या एनिग्मेटिक है। एनिग्मा हम बोलते हैं पहेली को, जो पहेलीदार है, ठीक है। और ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, द डिस्कवरीज वर एब्स्ट्रूज बट ही वॉज सीन बाय हिज पीयर्स एज ए राइजिंग स्टार। तो ये है हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड एब्स्ट्रूज। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्ट्रूसिव। ऑब्ट्रूसिव मतलब जो ऑब्वियस है, जो दूर से दिखाई देता है। ऑब्ट्रूसिव मतलब जो ऑब्वियस है, इससे आप याद कर सकते हैं इसको। प्रोमिनेंट है, नोटिसेबल है, कंस्पिकुअस है, जो दूर से ही दिखाई देता है। गैरिश, ये एक अच्छा वर्ड है, गैरिश, ठीक है। यहाँ पर आप चश्मे को देख सकते हैं, ये कितना ज़्यादा ऑब्ट्रूसिव है। इनकंस्पिकुअस इसका एंटोनिम होगा, और ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, ही वॉज एन अनऑब्ट्रूसिव फुटबॉल प्लेयर, मतलब ऑब्वियस नहीं था, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था। कंस्ट्रू का मतलब होता है इंटरप्रेट करना, उसका एक निष्कर्ष निकालना, उसका एक अलग व्याख्या करना किसी चीज़ की, इसको हम एक्सपाउंड भी बोलते हैं इसको हम। डिसाइफर मतलब उसका अर्थ निकालना, उसको स्पेल आउट करना, इल्यूसिडेट करना। और मिसअंडरस्टूड या मिसअंडरस्टैंड, ये होंगे इसके एंटोनिम्स। एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट, एम्बी का मतलब होता है दो, ठीक है, जिसके जिसके दिमाग में दो विचार चल रहे हैं, जो कन्फ्यूज है, जो स्केप्टिकल है, जो अनसर्टेन है, जो अनश्योर है, उसको हम बोलते हैं एम्बीवेलेंट। और इसका एंटोनिम होगा श्योर या कॉन्फिडेंट। तो एम्बीवेलेंट का अर्थ होता है यस नो जो सोच रहा है, या मे बी जो सोच रहा है, और जो कन्फ्यूज है उसको हम बोलते हैं एम्बीवेलेंट। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म मतलब जो अपने, नेपोटिज्म को आप कैसे याद करेंगे, जो अपने नेफ्यू की तरफ बोलता है, जो अपने नेफ्यू का पक्ष लेता है, यानी जो भेदभाव करता है, जो पार्शियल है, जो जिसका ओपिनियन बायस है, उसको हम बोलेंगे नेपोटिज्म, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष है। तो नेपोटिज्म का जो उल्टा होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव या इम्पार्शियल या अनबायस। रिडंडेंट, रिडंडेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है। सपोज 100 वर्ड में आपको ऐसे लिखना है और आपने 125 वर्ड में उस ऐसे को लिख दिया, तो 25 वर्ड जो होंगे वो रिडंडेंट होंगे, वो सुपरफ्लुअस होंगे, उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने उसको उसमें इंक्लूड कर दिया। सुपरफ्लुअस या नीडलेस या आउटमोडेड, ये इसके सारे के सारे एंटोनिम है। अनकॉल्ड फॉर मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है, आउटमोडेड का मतलब भी होता है रिडंडेंट, ठीक है। और कंपलसरी मतलब जो जिसकी ज़रूरत है। तो रिडंडेंट एक अच्छा वर्ड है, इसका अर्थ होता है नीडलेस। रिलक्टेंट का अर्थ होता है अनविलिंग, जो किसी काम को करने में अनिच्छुक है, इच्छुक नहीं है, उसको हम बोलते हैं रिलक्टेंट। और इसको हम डिसइनक्लाइंड भी बोलते हैं, डिसइनक्लाइंड, ठीक है, डिसइनक्लाइंड या एवर्स। एवर्स के बाद यहाँ पर हम टू का प्रयोग करते हैं, एवर्स टू। और हेजिटेंट भी बोलते हैं, इनडिस्पोज्ड भी बोलते हैं इसको,
और कीन, ईगर, इंथुजियास्टिक या आर्डेंट, ये हैं इसके एंटोनिम्स। पेरूज का अर्थ होता है पढ़ना, ठीक है, परसू नहीं है ये पेरूज है, PERUSE। पेरूज का मतलब होता है रीड केयरफुली, रीड केयरफुली, ये होता है पेरूज का मतलब। और यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे, पेरूज का अर्थ होता है रीड केयरफुली। डिस्पोमैनियक, जो शराब पीता है, शराब का शौकीन है। नेपोटिज्म, जो अपने नेफ्यू की तरफ बोलता है। एम्बिवेलेंट, जिसके दिमाग में दो विचार चल रहे हैं, जो कन्फ्यूज है। रिलक्टेंट, अनविलिंग। रिडेंडेंट, नीडलेस। एक्सपाउंड और इंटरप्रेट, ये सेम वर्ड हैं। ऑब्ट्रूसिव, जो ऑब्वियस है, और एब्स्ट्रूस, जो एब्सोल्युटली डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो ये इसमें हमने दो रिवीजन किए हैं और सारे वर्ड्स डिस्कस किए हैं। इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा, ये SSC के लिए, बैंकिंग के लिए, NDA, CDS और दूसरे सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड का पार्ट वन है। और यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। इस चैनल का नाम इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, इसको लाइक और शेयर भी करें। तो अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। इस वीडियो क्लास में इतना ही। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है आपका।